नमस्कार, मैं धीरज सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाली है। 8 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग किए जाएंगे और 11 फरवरी को सभी सीटों के रिजल्ट आ जाएंगे। उससे पहले मंगलवार को यानी कि कल आम आदमी पार्टी, जो कि यहाँ पर दिल्ली में सत्ता पर काबिज है, उन्होंने अपने 70 के 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इन सभी उम्मीदवारों में 46 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, यानी कि अभी भी पिछली बार विधायक थे, इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 7 विधायकों का टिकट काट दिया गया है और 10-12 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको मैदान में उतारा गया है, नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। लेकिन इन सब के इतर तीन उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि लोकसभा चुनाव 2019 भी लड़े थे, वहां पर पटखनी खाने के बाद यहां पर किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे। इनमें पहला नाम आता है उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप पांडे का। दिलीप पांडे कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। 2019 में उनके सामने भाजपा से मनोज तिवारी और कांग्रेस पार्टी से शीला दीक्षित खड़ी हुई थी। वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिलीप पांडे की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार उन्हें तिमारपुर विधानसभा सीट, जो कि उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, उनका वहां से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। वहां पर अभी वर्तमान में पंकज पुष्कर, जो कि आम आदमी पार्टी के ही एमएलए थे, उनका टिकट काट दिया गया है। माना जा रहा था कि पंकज पुष्कर पहले से ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनके टिकट काटने की संभावना लगभग बहुत पहले से हो चुकी थी। दूसरे नंबर पर राघव चड्ढा। राघव चड्ढा दक्षिणी दिल्ली यानी कि साउथ दिल्ली से रमेश विदुरी के सामने खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में। वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस समय वो राजेंद्र नगर, दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र नगर सीट से अभी वर्तमान में विजेंद्र गर्ग विधायक थे, वहां से विजेंद्र गर्ग विधायक थे, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तीसरे नंबर पर आतिशी। आतिशी भाजपा सांसद व पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के सामने लोकसभा चुनाव लड़ी थी। पूर्वी दिल्ली उनका संसदीय क्षेत्र पड़ता है गौतम गंभीर का। वहां से उन्होंने मैदान में उतरे थे, लेकिन वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था आतिशी को। आतिशी अब कालका जी विधानसभा सीट से मैदान में किस्मत आजमाएंगी। कालका जी सीट से अभी आम आदमी पार्टी के ही अवतार सिंह विधायक हैं। अवतार सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। तीनों प्रत्याशियों के लड़ने का क्या मायने हैं? क्या वहां पर प्रत्याशियों की कमी हो गई थी, या फिर इन तीन जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं उनसे नाराजगी का कोई तोड़ नहीं, उनका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था कि उनकी जगह पर ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया जाए जो जिताऊ हो। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन ये तीन विधायक या तो निर्दलीय लड़ने के फिराक में है, या तो कहीं दूसरी पार्टी में लुदुर लुदुर करने के हलचल में दिख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ना आए तो भी थोड़ा लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।